بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى बसमनिम्ल रबीन वाल नबी ना महम्मद वाली वजमय मोहतरम नावरीन प्यारी बहनों और भाइयो अल्लाम व्ल वक्त ये सच्चे वाकयात और उनसे दरसबरत का जो सिलसिला चल रहा है आज की मजलिस में भी आपके सामने एक सच्चा वाक़ और असल हागिर में पेश आमदा वाक़ मैं आपका सामने रख के उससे कुछ फ़वाद और कुछ इबरते आपके सामने में रखना चाहूँगा असल वाक़ ये है और ये वाक़ सऊदिया अरबिया के हायल शहर में पेश आया है गवर्नमेंट की तरफ से सऊदिया में एक शोबा कायम है जिसे है अतुलमर बिलमूफ व मुनकर कहा जाता है हमारे उर्दू में उसे शोब इहतसाब कह सकते हैं यानी वो शोबा जिनमें काम करने वाले लोग लोगों को खैर का हुक्म देते हैं वाहिर सड़क पर माशरे में जो कमियां हैं दीनी तौर पर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं अगर कोई बुराई है तो उसको मिटाना चाहते हैं यानी भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना उनका काम है उस शोबे में काम करने वाला एक शख्स बयान करता है कि मेरी आम आदत ये थी कि मैं जिस इलाके में मेरी पोस्टिंग थी उस इलाके के किसी न किसी मस्जिद में रोज आना मैं जाकर के नमाज पढ़ता था आज एक मस्जिद में है कल दूसरी मस्जिद में है एक दिन का वाकया है कि मैं किसी मोहल्ले की एक पुरानी मस्जिद के अंदर हमने फजर की नमाज पढ़ी नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर तक मैं मस्जिद ही में बैठा अल्लाह ताला का जिक्र करता रहा और जिक्र अजकार से फारिग होने के बाद जब मैं मस्जिद से निकलता हूं और मैं अपनी गाड़ी पर मैं बैठ रहा हूं कि हमने ये महसूस किया या बल्कि हमने मुशाह किया देखा कि एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र अभी बीस को भी नहीं पहुंची है अठारह साल का है कम है ज्यादा है इसी उम्र का एक बच्चा एक एयर कूलर के पास खड़े होकर के किसी से कुछ बातें कर रहा है हमने बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात समझी और छोड़कर आगे बढ़ना चाह लेकिन मेरा ये हुआ कि बात करते करते वो शख्स अपने जेब से कुछ पैसे निकालता है और उस कूलर का वो सुराख था उसी सुराख के जरिए से अंदर दाखिल करता है हमने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और वहां से रुख्सत हुआ और चला गया लेकिन अल्लाह का करना यह कि दिन भर मेरे दिमाग में यह बात आ रही है मैं सोच रहा हूं कि आखिर वो लड़का कौन था अब वो कोई नीम पागल तो नहीं था या वो लड़का कहीं ऐसा तो नहीं था कि अंदर औरत से उसका चल रहा हो उसके गलत ताल्लुक हो जिससे वो बातें कर रहा था आखिर एल कूरल के पास खड़े होकर के और ऐसे वक्त में जबकि लोगों की आमदो रफ्त नहीं है ये क्या माजरा हो सकता है कहा लिहाजा हमने अपने तौर पर फैसला किया कि अगले दिन फजर की नमाज मुझे उसी मस्जिद में पढ़नी है खिलाफ आदत, आदत थी कि रोजाना जाया नमाज पढ़ता हूं, हूं। नमाज पढ़ी यानि दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ी हसब आदत वहां पर बैठा रहा और जब वहां से मैं उठा और अपने गाड़ी पर आया तो क्या देखता हूं कि बेनी उसी कैफियत में उसी जगह पर और उसी अंदाज से वो बच्चा खड़ा और गुफ्तगू कर रहा है और कुछ देर के बाद अपने जेब से कुछ पैसा निकालता है और एक लकड़ी की मदद से अंदर दाखिल कर देता है उस कूलर के सोराख से मुझे बड़ा अजब हुआ अब मेरा यह जो शुबा था अब गम गालिब पर बदलने लगा कि इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई वाकया जरूर है यह लड़का ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी लड़की से उसका कोई मुआशिका चल रहा है और इस काम का रोकना जाहिर बात है उसके फरायदे मनसबी में से था लिहाजा वो इसके पीछे पड़ गया कहा फिर मैं देखता हूं कि वो लड़का वहां से फारिंग होने के बाद पतली ऐसे गलियों से गुजरता हुआ और मैं उसके पीछे पीछे हो लिया इस अंदाज से वो मुझे जान ना सके कहा कि वहां से निकल करके जाता है और एक घर के सामने खड़ा होता है और मैं भी दूर खड़े हो करके उसको अंदाजा लगाने में शायदा करने लगा गोया कि मैं अब एक किस्म की जासूसी का काम कर रहा हूं थोड़ी देर में वो लड़का अंदर से अपनी स्कूल की किताबें लेकर के निकलता है एक गाड़ी के ऊपर बैठता है गाड़ी अपनी स्टार्ट करता है उसी घर से एक लड़की अपना स्कूल बैग लेकर के निकलती है और गाड़ी में बैठ जाती है उस लड़के ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा मैं उसके पीछे पीछे में हो लिया यहां तक कि देखता हूं कि वो लड़का अपनी गाड़ी एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल के पास खड़ी करता है वो बच्ची वहां से उतरती है और स्कूल में चली जाती है फिर वो लड़का वहां से आगे बढ़ता है आगे बढ़ते हुए वो एक हायर सेकेंडरी स्कूल के पास अपनी गाड़ी रोकता है अपनी किताबें ले करके वो अंदर चला जाता है वहां पहुंचने के बाद जब स्कूल को हमने देखा तो मुझे कुछ इत्मीनान हुआ इसलिए कि इस स्कूल में दरसो तदरीस का काम करने वाले एक अच्छे अखलाक और एक संजीदा उस्ताद से मेरी अच्छी गपशप थी और मेरी अच्छी मुलाकात थी चुनानचे कुछ देर इंतजार करने के बाद जब बच्चा बिल्कुल अंदर चला गया तो मैं अंदर गया और उस उस्ताद से मैं मिला और हमने कहा कि गाड़ी का रंग यह है गाड़ी का नंबर यह है इस गाड़ी से जो बच्चा उतर करके अभी अंदर दाखिल हुआ है इसके बारे में मुझे पूरी मालूम चाहिए छोटी और बड़ी जो भी मालूम आप हमें दे सकते हैं जो भी मालूम मिल सकती है वो मालूम आप हमें दें उसराद ने मुझे टीचरों के रूम में बैठाया और कहा कि बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए मैं बैठा इंतजार करता रहा थोड़ी देर के बाद जब वो शक वापस आता है तो कहता है कि ये लड़का मदरसे के मिसाली लड़कों में है ये लड़का मदरसे के उन चीदा लड़कों में है जिनकी अच्छे अखलाक अच्छी तालीम उस्तादों के साथ अच्छे सलूक की तारीफ की जाती है ये लड़का बड़ा शरीफ है इसके ऊपर इसमें कोई आयब नहीं पाया गया ये सुन करके मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं समझ गया कि अब मेरे सामने कोई अजीब दास्तान है मैं जो कुछ देख रहा हूं यह अभी इब्तदाई मरहला है इसके बाद कोई एक बहुत बड़े राज से पर्दा खुलने वाला है चुनानचे हमने कहा क्या उस बच्चे से मैं मुलाकात कर सकता हूं उस बच्चे से मैं थोड़ी देर मिल सकता हूं इसलिए कि मेरा मकसद था जब इतना संजीदा है लोग उसकी इतनी तारीफ करते हैं अब अगर उसके अंदर इस किस्म की कोई बुराई है तो इसके लिए बहुत बाई से ऐब है उसके घर वालों के लिए उसके मदरसे के लिए चुनाच हमने कहा कि क्या उस बच्चे से मैं थोड़ी देर मुलाकात कर सकता हूं उस्ताद ने कहा कि कोई बात नहीं है चुनाचे उस बच्चे को बुलवाया गया उस बच्चे का हमने हाथ पकड़ा ले आया और अपनी गाड़ी पर बैठा लिया हमने और मैं उसे लेकर के अपनी गाड़ी से लेकर घुमाने लगा और रस्मी खैरियत सलाम वला कलाम के बाद मैंने उससे पूछा कि बेटे मैं तुमसे एक सवाल करता हूं ये बताना कि क्या तुम वही नहीं हो जो फला जगह फला मस्जिद के पास जो घर है उस कूलर के पास खड़े होकर के तुम किसी से बातें कर रहे थे मेरा यह सवाल करना था कि उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए बच्चा रोने लगा खामोश हो गया कुछ देर खामोश रहा रोता रहा हमने उसे तसल्ली दी थपथपाया कि बेटा परेशान होने की बात नहीं है तुम हकीकत मुझसे बतला दो फिर उसके बाद अपनी आंसू को पोछते हुए वो बच्चा कहता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं कोई मुजरिम हूं मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि हमने कोई गुनाह का काम किया है मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने कोई जुर्म किया है ना, ना मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं तो तुमने कहा कि आखिर रोने का मकसद क्या है तुम रो क्यों रहे हो तो कहता है मैं अंदर जिस औरत से बात कर रहा था वो मेरी मां है वो तुम्हारी मां है जब तुम्हारी मां है तो इस तरीके से छुप करके मुजरिमों के तरीके से बाहर खड़े होकर के गुफ्तगू करने की क्या जरूरत है अंदर जाकर के बैठते उसके साथ तुम रहते और उसके साथ बैठते और गुफ्तगु करते उसने कहा लेकिन मेरे और उसके दरमियान एक ताला नहीं बल्कि तालों पर ताले लगे हुए मुझे मामला अजीब सा लगा और अब मेरा ये तस्वूर बढ़ता गया कि इसके पीछे कोई अजीब गरीब कहानी है आखिर वो कहानी क्या है फिर हमने उस बच्चे को इत्मीनान दिलाया और कहा कि तुम अपनी पूरी बात हमसे बयान करो कि असल वाकया क्या है तो उसने कहा कि आज से तकरीबन 20 साल पहले मेरे वालिद ने एक औरत से शादी की जो मेरी मां है उससे शादी की लेकिन वो औरत ऐसी थी कि वो अपने शोहर के हुकूक को कतान नहीं जानती थी शौहर की बातों का मानना उसके यहां कोई अहमियत रखता ही नहीं था शौहर की एताद उसके यहां डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं था वो बाहर घूमना बाजार में जाना सैर तफरी करना उसका अहम मशगला था और मेरे वालिद एक शरीफ आदमी थे जिनकी शान और इज्जत के खिलाफ ये बात थी मेरे वालिद उसे बहुत समझाते रहे उसके ऊपर मामूली सख्ती भी की लेकिन वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थी ये बात नहीं थी कि मेरी मां के अंदर जिना जैसे कोई बुरी आदत थी ऐसी बात नहीं है लेकिन सिर्फ बात यह थी कि बाहर घूमना बाजारों में जाना और अपने शौहर और शौहर के घर की कोई परवाह ना करना यह उसका मकसद था आखिर में आजिज आकर के मेरे वालिद ने उसे तलाक दे दिया और जब तलाक दे दिया तो अभी तलाक दिए हुए दो चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि लोगों के इसरार और जिद के ऊपर मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली इसलिए कि मेरे वालिद एक शरीफ इंसान हैं लोगों में उनका अपना एक मकाम है जब लोगों ने देखा कि पहली बीवी को इन्होंने तलाक दे दिया है तो कोशिश करके उनकी शादी एक और औरत से करवा दी मेरे वालिद ने जब जब दूसरी शादी कर ली तब उन्हें मालूम हुआ कि जिस औरत को तलाक दिया है उस औरत के पेट में कोई बच्चा पल रहा है और वो पलने वाला बच्चा मैं ही था मेरे वालिद कहते हैं कि बेटा अगर मुझे ये पहले मालूम होता कि वो हमल से है तो मैं उसको तलाक ना देता और मैं बर्दाश्त करता मैं सब्र करता लेकिन अब मैं दूसरी शादी कर चुका था और मेरे पास अब ये इम्कानिया नहीं है कि मैं दो बीवियों को रख करके उनकी परवरिश करूं अलाकुल्लहाल मेरे वालिद ने दूसरी शादी की और उससे एक बेटी पैदा हुई जिस बेटी को आपने देखा कि मैं उसे स्कूल छोड़ रहा था जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे वालिद ने उस औरत से मुझे ले लिया इसलिए कि उनको खतरा था कि कहीं उसकी बद अखलाकी का असर कहीं मेरे ऊपर ना पड़ जाए मेरे वालिद के तलाक देने के बाद जब इद्दत गुजर गई तो मेरी मां ने एक और मर्द से शादी कर ली जो अपने ही इलाके का रहने वाला था इफ्ता में तो चंदमा बड़े अच्छे गुजरे मेरी माँ भी खुश थी उनका शौहर भी खुश था लेकिन हकीकत यह है कि वो शौहर नहायत वालिम किस्म का इंसान था उसके दिल में रहम नहीं पाया जाता था उसने मेरी वालिदा के ऊपर जुल्म करना शुरू किया उन्हें मारना उन्हें तंग करना उनके ऊपर पाबंदियां लगाना हत्या की कुछ दिन पहले अभी पिछले रमजान में उसने कसम खा ली है कि अगर तू घर से निकली या घर से बाहर किसी के यहां गई तो तुझे बायन तलाक दे दूंगा यानी ऐसी तलाक के उसके बाद रोजू करने का वक्त नहीं रहेगा और सिर्फ यही नहीं वो शख्स फज्र से पहले ही काम पर जाता है और काम पर जाने से पहले और सोने से पहले मेरी वालदा को बाहर का एक ताला उसके बाद एक ताला इस तरीके से तालों में बंद करके जाता है और मैं अपनी उसी वालदा के पास रोजाना उस वक्त खड़े होकर के थोड़ी देर बातें करता हूं इसलिए कि मेरे वालिद हमेशा हमेश मुझे यह नसीहत करते हैं कि बेटा मेरा ताल्लुक तुम्हारी माँ से बहसीयत शोहर और बीवी के खत्म हो चुका है लेकिन तुम्हारा ताल्लुक उसके साथ बतौर माँ के बाकी है लिहाजा उसके साथ उसने सुलूक करना उसके साथ अच्छा बर्ताव करना वालदा का बड़ा ऊंचा मकाम है अगर वो अब मेरी बीवी नहीं है तो इसमें कोई शक नहीं कि वो तुम्हारी माँ है और कहा वो जो पैसा आपने मुझे देते हुए देखा है ये वो पैसा भी मेरे वालिद ही देते हैं कि जा करके उसे दे दो इसलिए कि हमने सुना है कि उसका शौहर उसे बहुत तंग करता है इस तरीके से हो सकता है कि उसके गम में कुछ कमी वाके हो और उसका गम हल्का हो वो शख्स कहता है अब इसके बाद मेरे पास सवाल करने का कोई हीला नहीं था कि मैं कोई सवाल करूं मैं खुद भी रोने लगा अपनी गाड़ी को घुमाया और आ करके उस बच्चे को वहां स्कूल के पास छोड़ा और अपने घर वापस आ गया साथियों किस्सा हमने पढ़ा और सुना इस किस्से से हमें और आपको खूब हमारी बहनों को क्या इबरत मिलती है क्या सबक मिलता है उसके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है इसलिए कि ये ऐसा वाकया है जैसा वाक्य हर माहौल में जैसा वाकया हर इलाके में पेश आता है लेकिन हम और आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते लिहाजा हमें और आपको इससे क्या सबक मिलता है हम उसके ऊपर तवज्जो दें सबसे पहला अहम फायदा मैं बड़े इख्तसार के साथ रखूंगा सबसे बड़ा अहम फायदा यह है कि अगर किसी औरत को कोई अच्छा शौहर मिल जाए या किसी शौहर को कोई अच्छी बीवी मिल जाए तो यह बहुत गनीमत है उसकी कदर करना चाहिए उसकी कदर ना करने के अंजाम बुरे निकल सकते हैं यह पहला सबक है दूसरा सबक किसी ऐसे शख्स को अगर हम किसी ऐसे काम पर देख लें यह बड़ा अहम फायदा है और बहुत से लोग इस बारे में मर्द हों या औरत गलतियां कर जाते हैं अगर हम किसी शख्स को किसी ऐसे काम पर देखते हैं जो मशकूक काम है और उस शख्स का माजी ऐसा नहीं है तो हमें उसके बारे में तहकीक से पहले बददन नहीं हो जाना चाहिए हमें उस मामले की तहकीक कर लेना चाहिए उसकी तह तक पहुंचने के बाद ही कोई अपनी राय कायम करना चाहिए इसलिए कि देखें उस बच्चे का जो वाहिर था वो यही बता रहा था कि ये मामला इसका मतलब कुछ गड़बड़ है दोनों की नियात में फतूर है वरना कोई शक अपनी बस ऐसे कैसे बातें कर सकता है लेकिन अब उसकी तह तक जाया गया तो मालूम यह हुआ कि वो शख्स नहायत ही बड़ी और इसके पीछे एक ऐसा वाक है जो शख्स के लिए बहुत ही से इबरत है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल वसल्लम का फरमान है न देखने का माना क्या है यानी अल्लाह तबारक व को कोई परवाह नहीं रहती अल्लाह उसकी मदद नहीं करता अल्लाह उस पर अपनी रहमतें नाजिल नहीं करता कौन औरत ला वही ला तस्तगनी है जो अपने शौहर की शुक्रगुजार नहीं है जो अपने शौहर का शुक्र अदा नहीं करती है हालांकि वो उससे बेनियाज नहीं है यानी शौहर उसके हुकूक का पासो लिहाज रखता है उसकी जरूरियात को पूरी कर रहा है उसे मुस्तगनी किया है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं महसूस होने दी है अब अगर ऐसी औरत अपने शोहर की शुक्रगुजारी नहीं करती ऐसी औरत अगर अपने शोहर की कदर नहीं करती है तो अल्लाह तबारक वाला उसकी तरफ देखता नहीं यानी अल्लाह तबारक वाल उसकी मदद नहीं करता यानी शुक्र ना अदा करने का मानना यह है कि शोहर की इत नहीं करती है इसी तरीके से ये पैगाम है बहुत से मर्दों को कि दुनिया में बहुत से ऐसे मर्द बसते हैं जिनके दिलों में खून का दिल नहीं हुआ करता जिनके दिलों में गोश्त के खून के एक लुथड़े की शक्ल में दिल नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने उनके दिलों को पत्थर का दिल बनाया है और उनका दिल हर जगह तो काम करता है लेकिन अपनी बीवी और बच्चों का जब मामला रहता है तो अपनी सारी बहादुरी अपनी सारी कुत ये समझते हैं कि हम यहीं पर निकालें वरना एक औरत को आप उन्हें मारें उसे पीटे और तालों पर ताले लगा करके बंद करें उसकी आजादी को छीन ले चीज कोई माकूल बात नहीं है आपको ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक वाली ने बहुत वाजह तौर पर फैमान दिया है वह आशिर हन्न बिलमारूफ फैन करे तुम फसा अन तक रहू शैया वी खैरन का उनके साथ भलाई का दस्तूर करो फेसाको बेमाफिन और तस्वीर हम बे एहसान अल्लाह तला ने तुम्हें उसे लाउडी बनाने की इजाजत नहीं दी है अल्लाह ने तुमसे कैद करने की इजाजत नहीं दी है अल्लाह ने तुम्हें उसे मारने की इजाजत नहीं दी है अल्लाह ने तुम्हें उस पर जुलम करने की इजाज़त नहीं दी है अगर उसके साथ तुम्हारा निभा है तो ठीक है वरना तुम उसे तलाक दे दो तो कहने का मतलब यह है बहुत से ऐसे मर्द हुआ करते हैं इस दुनिया में ऐसे मर्द बसते हैं जिनके दिलों में औरत के ऊपर जो कमजोर है हर हाल में कमजोर है उनके लिए रहम की कोई जगह नहीं होती पांचवा जो बड़ा अहम फायदा यह कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम का एक फरमान है पुराने ताल्लुकात का पासों लिहाज रखना पुराने ताल्लुकात को ध्यान में रखना पुराने ताल्लुकात की कदर करना ये अच्छे इस्लाम का एक हिस्सा एक अच्छे मोमिन होने की दलील है उस शख्स ने उस बीवी को तलाक दे दिया था उसके अब ताल्लुकात बाकी नहीं थे लेकिन उस पुराने ताल्लुक का उसने किस कदर पासो लिहाज रखा कि बेटे को ना सिर्फ इजाजत दी बल्कि बेटे को उभारा करता था कि जाओ और अपनी मां को तसली दो से अब मेरी बीवी नहीं है लेकिन वो कयामत तक तुम्हारी मां रहेगी और वो रिश्ता क्यामत तक बाकी रहेगा बल्कि क्यामत के दिन भी यह रिश्ता बाकी रहेगा तो कहने का मतलब यह है ये उस शख्स की खूबी बल्कि इस्लाम के ऊपर यह अमल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर इसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला नेक लोगों को उनकी हुसने नीयत पर उनके हुसन कस्द के ऊपर अल्लाह ताला बेहतरीन बदला देता है वो शख्स चूंकि नेक था उसका मकसद अच्छा था इसलिए बीवी के इतने बुरे रवैये के बावजूद भी अल्लाह तबारक वताला उसे वो लड़का देता है जो किस कदर होनहार है कि वो अपने बाप की बात जहां मानता है वहीं स्कूल और मदरसे में वहां के मिसाली और सबसे अच्छे बच्चों में उसका शुमार है इसीलिए कहा जाता है कि नेक लोगों की दुआएं अल्लाह तबारक वाले नहीं करता इसी तरीके से जो बड़ा अहम फायदा और आखिरी फायदा आपके सामने हम रखते हैं वो ये है कि इस दुनिया में जो शख्स किसी नेमत की कदर नहीं करता है बड़ी अहम चीज है इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है जो शख्स इस दुनिया में किसी नेमत की कदर नहीं करता है तो अल्लाह तबारक वाल उस नेमत को उससे छीन लेता है फिर सुने अगर किसी शख्स को अल्लाह ने कोई नेमत दी है और उस नियमत का शुक्रिया अदा नहीं करता वो शुक्रिया खा दिल के जरिए है वो शुक्रिया खा जुबान के जरिए है वो शुक्रिया खा अमल के जरिए है अगर वो उस नियमत की कदर नहीं करता है उसका शुक्र अदा नहीं करता तो अल्लाह तबारक वत जल्द ही उस नियमत को उससे छीन लेता है इस औरत को अल्लाह तबारक वताल ने एक संजीदा नेक समझदार अच्छे अखलाक का मालिक शोहर अता किया था जो उसके लिए बहुत बड़ी गनीमत थी लेकिन उस औरत ने उसकी कदर नहीं की तो अल्लाह तबारक वताला ने उस नमत को उससे छीन लिया सच फरमाया है नबी करीम वसल्लम ने इन नली अल्लाह तबारक व तला के कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताल अपनी नमतों से नवाजा है जब वो लोग उस नेमत की कदर नहीं करते तो अल्लाह ताला उस नेमत को छीन करके दूसरे लोगों तक पहुंचा देता है जिस तरीके से एक नेक शौहर बेहतर नेमत के इस औरत को मिला था जब उसने उसकी कदर नहीं की तो उससे छीन करके ये नेमत किसी और औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करें अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी नेमतों की कदर करने और अपना शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमाए आज की यहीं पर रोकते हैं अगली मजलिस एक नए किस्से और उससे लिए गए व इबरत ले करके हम आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए आपसे इजाजत है असला वरह ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें